और ये वह मज़हब इस्लाम है, हम उस आका की बात कर रहे हैं जिस आका ने हर मज़हब को जो है वो अमन का पैगाम दिया है, जिसने जिस आका ने हर जुल्म को रोका है, गरीबों को, गैर मज़हब वालों को, औरतों को, मर्दों को, जिन्होंने जीने का हक सिखाया है, उस अगर आका के खिलाफ कोई ज़ुबान दराज़ी करेगा तो मुसलमान का बच्चा बच्चा जान देने के लिए तैयार इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन मेंडर से भी गुजारिश करते हैं। कल भी एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को पेश किया था और एफआईआर के लिए भी हमने एप्लीकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में दे दी है। एफआईआर की कॉपी भी हमें आज चाहिए और फिर मेमोरेंडम भी यहां से थ्रू जो है डीसी साहब और डीपकॉम और सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए। और हमारी मेंडर की आवाम का ये मुतालबा है कि उस खबीस मलून को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। आज ये जो नौजवानों ने एक प्रोग्राम रखा और कल जैसे मौलाना साहब ने कहा और परसों मुफ्ती साहब ने भी और प्लस कुछ और लोगों ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम साहब को दिया है, प्रोटेस्ट किया है। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया से, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करूँगा कि देखिए हम वो हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हम वो पत्थर हैं कि जिनको दुश्मन हिला सकते नहीं। मैं हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जिस शख्स ने की है, जो वो मलून, जो शैतान, जो हिंदुस्तान में इस किस्म के तरह तरह के शैतान हमेशा पैदा होते हैं और हमेशा वो जो है मिट जाते हैं, आज जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ ये वाजिया कर देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में आज के बाद किसी किस्म का कोई मामला जो भी हिंदुस्तान में जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अगर हमें जान की बाजी डालनी पड़ी हम लखनपुर क्रॉस कर लेंगे। अल्लाह खुदा के मैं ये कहूँगा आदर नादर रखे कि इससे ज़्यादा और ज़्यादा हमारी आजमाइश की घड़ी का कोई वक्त नहीं है।